उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में नवनिर्मित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन नौसर से कालेसर तक एलईडी पथ प्रकाश कार्य का किया लोकार्पण और सहजनवा में राजकीय पॉलिटेक्निक का किया शिलान्यास। कहा, विकास कार्य में बाधा लाने वालों को नहीं जाएगा बख्शा। राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना के आवंटियों को कैंप लगा कर दिया गया कब्जा। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविकाओं ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को मतदान और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति किया जागरूक। अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी कटिबद्ध, 21 फरवरी को लखनऊ पहुंचकर बनाएंगे आगामी आंदोलन की रणनीति। कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसएसपी ने बदले कई थानेदार, दी कड़ी कार्रवाई के संकेत। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हैंडबॉल के फाइनल मैच के साथ जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में हो रही जोरदार खरीदारी, स्टॉल लगाए दुकानदारों के खिले चेहरे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा भौगोलिक चुनौतियां विषय पर आयोजित हुआ क्विज प्रतियोगिता, प्रतिभागियों ने रखे अपने विचार। और जिला स्तरीय चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आतिफ क्रिकेट एकेडमी की शानदार जीत।